साकुली येथे वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था साकुली या परिसरात इंडोनेशियन मेता फाउंडेशन इंडियाच्या वतीने भगवान गौतम बुद्धाच्या अस्थिकलश महायात्राचे आयोजन करण्यात आलेले होते. या प्रसंगी विदेशी पाहुणे धम्मरत्न म्यानमार, भंते सुमनराव श्रीलंका, सिस्टर अपविता थायलंड, पौनमी लोस वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्थेचे अध्यक्ष सोमदत्त करंजेकर, डॉक्टर ब्रह्मानंद करंजेकर, माजी आमदार बाळा काशीवार, प्रकाश बाळबुद्धे इत्यादी मान्यवरांच्या उपस्थितीत अस्तित्व दर्शन यात्रा यशस्वी करण्यात आली. सर्वप्रथम साकोलीतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीवरून वैनगंगा बहुउद्देशीय परिसरात अस्तित्वात भगवान बुद्धांच्या अस्थी आणण्यात आले. बौद्धांनी उपस्थितांनी त्यांचे दर्शन केले. सर्व मान्यवरांनी भगवान गौतम बुद्ध यांच्या धम्म व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारात आपल्या अंतकरणात रुजवण्याची गरज असे सांगितले. तर सोमदत्त करंजेकर यांनी, मी या ठिकाणी अस्थिकलश आणून मी माझे जीवन धन्य व समृद्ध केले असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या प्रसंगी स्वागत समितीचे परमानंद मेश्राम, नेपाळ रंगारी, डीजी रंगारी, भावेश कोटांगले, अतुल नागदेवे, श्रीकांत नागदेवे व इतर सर्व कार्यकर्त्यांनी हा बौद्ध उपस्थितांनी या ठिकाणी अथक परिश्रम केले. First of all, respected Bhikkhu Sangha, our chief guest from Thailand, special guest from Thailand, and organizer committee from Nagpur, and organizer committee from here, आज इस सभा में उपस्थित हमारे भिक्षु संघ, पूजनीय भिक्षु संघ और थाईलैंड से आए हुए हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि इतना दूर से आज आपके सभा में उपस्थित है, मैं उन लोगों का भी इस मंच से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. मेरा नाम डॉक्टर धम्मरत्न है. मैं नालंदा में रहता हूँ और मैं एक हिस्टोरी एंड आर्कियोलॉजिकल का स्टूडेंट हूँ. जैसा कि आज मैं देख पा रहा हूँ, सभी को मेरा बात समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है ना? ओके. तो जैसा कि आज एक बहुत ही अति आवश्यक दिन है जो कि बुद्ध का अस्थि कलश आपके जगह, आपके गांव, आपके घर के पास चल के आया है, ये आप लोगों का सौभाग्य है. भगवान बुद्ध ने हमें जो ज्ञान दिया, जो मार्गदर्शन किया, जो रास्ते हमें सिखाया है, उसको हमें फॉलो करना है. मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सभी लोग बाबा भीमराव को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं और मैं आज इस मंच से, समय की थोड़ा कमी है शायद इसके वजह से ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, फिर भी जो ये अस्थि कलश है हमारे भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, आप लोगों को पता है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में. तो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण अर्थात मृत्यु हो जाने के बाद जब उनके शरीर को जब जलाया गया था, उनका शरीर छोटे छोटे कण में, टुकड़े में, अस्थियों में बदल गया. वो राख नहीं हुआ, वो अस्थियों में वो बदल गया और वो अस्थि कई वर्षों के बाद किसी न किसी तरीके से आपके समझ आया है. तो जरूर कोई बात होगा इस दीक्षा में, इस जगह में कोई अच्छी बात रही होगी, आप लोगों ने दिल से प्रार्थना किया होगा जिसके वजह से आज यहाँ पे चल के आया. इसके लिए मैं श्रीलंका से आए भंते जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जो स्पॉन्सर है थाईलैंड से आए हुए हैं और खासकर ऑर्गेनाइजर कमेटी आज के जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. भगवान बुद्ध जो हमें शिक्षा दिया, जो उपदेश दिया था, उस समय कोई धर्म नहीं था, कोई बौद्ध धर्म नहीं था, कोई सिख धर्म नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, कोई धर्म नहीं था. भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के प्राणियों के लिए उपदेश दिया था.
तो ये चीज आप सबों को ध्यान रखना है। आज आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, किसके वजह से? बाबा साहेब के अंबेडकर के वजह से। और बाबा अंबेडकर किसको फॉलो करते हैं? भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेशों को फॉलो करते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, एक कहावत है हिंदी में, अपने दीप खुद बनो, दूसरों पे आश्रित मत हो। तो कोशिश करना है, आप लोग डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो उनके जैसा आप लोगों को भी उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना होगा। खाली मूर्ति पूजा करने से, भगवान बुद्ध की मूर्ति का पूजा करने से, भिक्षु संघ को दान करने से, भिक्षु संघ के द्वारा उपदेश दिए सिर्फ सुनने से आपके आचरण, आपके जीवन में सुखी शांति समृद्धि नहीं होगी। ये तभी हो सकता है जब आप भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उसको उतारेंगे, अपने दिनचर्या आप डेली के बेसिस में उसको यूज करेंगे, तभी आपका जीवन सफल होगा। और कोशिश करें मंदिर विहार, बुद्ध विहार, स्तूपा, ये सब आदि तो बनते रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तभी आप अपने समाज को उद्धार कर सकेंगे। बाबा अंबेडकर ने क्या किया था? उन्होंने आप अभी के जो समाज में हो रहा है उसके तरह उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अपने आप को पहले बनाया। जब अपने आप को कुछ वो बन गया, तब उनको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतना साहसी, इतना प्रयत्न, इतना सहजशील से अपने आप को स्ट्रांग बनाया, मजबूत बनाया, तक सामने वाला खड़े खड़े उनको नतमस्तक करते हैं। तो आप लोगों को भी उस तरह से बनना है, और उस तरह से बनने के लिए आपको क्या करना होगा? सही शिक्षा लेना होगा, भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेशों को आप अपने जीवन में उतारेंगे। और आप लोग तो कुछ कुछ तो यहाँ तो अधिकतर मैं देख रहा हूँ, अधिकतर लेडीज लोग ज़्यादा हैं, लगता है जेंट्स लोग कम है, पूजा पाठ में कम वो रखते हैं। फिर भी आप कोशिश करें कि अपने जो फ्यूचर है, मतलब अपने जो बच्चे लोग हैं, उसको एक अच्छा शिक्षा दें, उसको पढ़ा लिखा बनाएं, अपने आप के पैर पर खड़ा होने के ऐसा बनाएं कि ताकि किसी के सामने नतमस्तक होने का जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था, आप मेरा पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, आप लोगों की सेवा करो। कोई आपका गरीब है उसका सेवा करो, कोई दुखी है उसका सेवा करो, जो असहाय है उसका सेवा करो। अगर आप उसके सेवा करते हैं, मतलब कि आपने मेरा सेवा किया, बौद्ध का सेवा किया। तो भगवान बुद्ध का यही कहना है कि कोई धर्म संसार में, कोई भी धर्म से बड़ा एक ऊपर भी एक धर्म है, और वो धर्म क्या है? मानव धर्म। भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया जो उपदेश है पूरे मानव के संसार के लिए है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आप लोग, मुझे लगता है कि आज जो अस्थि कलश श्रीलंका से चल के आया है इस जगह में, मुझे तो जगह के नाम भी नहीं मालूम है, मैं पहली बार नागपुर आया हूँ यहाँ पे, और मुझे सौभाग्य मिला है कि आप लोगों को कुछ मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो आपके समझ रखो। जिंदगी में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। धर्म, हमारा जो धर्म है, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, किसी को दुख देना, किसी को रुलाना, ये कभी नहीं सिखाता है। और हमारे बुद्ध कह गए हैं कि जो दान है संसार में वो सबसे पुण्य का काम है, दान अर्थात पैसे के दान नहीं। कोई भी आप बिहार बनते हैं, कोई दुखी है, किसी घर के आपके आसपास के घर में कोई दुखी है, असहाय है, उसको आप पैसे दे के हेल्प कर सकते हैं, चाहे आप घर में जाके मदद कर सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को मदद करना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, ये नहीं कि कोई मुस्लिम है आप उसको सोचेंगे ये मुस्लिम है हम क्यों मदद करें, ऐसा नहीं। आपको सभी की मदद करना चाहिए, आप जितना हो सकते हैं, लेकिन आप मदद तभी कर पाएंगे जब आप खुद संपन्न रहेंगे। तो अपने आप को संपन्न बनाना है, और मैं खासकर आजकल के
यंग जनरेशन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अपने दीप खुद जलाओ, अर्थात शिक्षा पाओ, जहाँ से भी आपको विद्या मिले आप कोशिश कीजिए वहाँ से विद्या अर्जित करने का। आप लोगों ने तो बाबा साहेब का पूरा जीवनी पढ़ा होगा कि उनको बचपन में कितना कष्ट हुआ है। वो स्कूल जाते थे, उनको किसी साथ में बैठने नहीं दिया गया था, बाहर में अलग से उनको बैठाया गया था। वो किसी चीज़ को छू लेते थे उस चीज़ को फेंक दिया जाता था, समाज में उस चीज़ को यूज नहीं किया जाता था। तो वो इस दौर से गुजरे हैं, उस समय कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने सही मार्ग को चुना, उन्होंने सही रास्ता को चुना, भगवान बुद्ध के दिए हुए सही मार्ग पर चल के उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बनाया कि आज पूरा भारत उसके संविधान के आगे नतमस्तक हुआ है। तो ये आप लोगों में एक बहुत बड़ी सीख है, या कहें कि जो हमारे भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश है, ये उनको मान के बाबा साहेब ने आप लोगों को एक अच्छा जीवन दिलाने का कोशिश किया। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, 100 में नहीं, 200 में नहीं, 1000 में तो एक बनेगा, लेकिन कोशिश कीजिए, वो एक दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। और आज के समय में आप किसी डंडे से, किसी लोहा से, किसी बात से, किसी को गुस्से से आप जीत नहीं सकते हैं, लेकिन आप जीत सकते हैं कलम की ताकत से, शांति से। तो आप जब तक भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेशों को अपने आचरण में, अपने जीवन में आप उसको उतारेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन सफल नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, शांति नहीं आएगी। तो कोशिश कीजिए आपके गांव में कोई मंगल पाठ हो, पूजा हो, भगवते जी द्वारा संगदान में कुछ हो, कोई भी सूत्र पाठ हो, तो जब आप उस चीज़ का उच्चारण करते हैं उसका असली महत्व को समझने का कोशिश करें। उच्चारण करना तो आप किताब देख के कोई भी कर लेगा, लेकिन उसका मीनिंग, उसका शब्द क्या है? क्योंकि हमारा जो बौद्ध धर्म है वो किसी काल्पनिक पे आधारित नहीं है, हमारे जीवन की सत्य घटनाओं पे, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख को कैसे मिटा सकते हैं, है ना। हमारे अगर जीवन में गंदगी दो कारण से होती है, एक आंतरिक, एक बाहरी। बाहरिक का गंदगी कैसे होती है, शरीर में मैल बैठता है, तो वो कैसे दूर होगा? उसको आप पानी से धोएंगे, बाहर में कपड़े में दाग लगेगा, आपके शरीर में बाहर से कीचड़ दाग लगेगा, उसको आप कैसे धोएंगे? पानी से आप धोएंगे, लेकिन आपका मन जब मैल हो जाएगा उसको आप कैसे धोएंगे? पानी से तो वो धो नहीं सकते हैं, उसको आप कैसे उच्चारण करें, कैसे धोएंगे? तो वो अपने मन की शांति, पवित्रता, शांति से ही उसको धोया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने का, और कोशिश कीजिए आप लोग जितना भी लोग हैं भगवान बुद्ध के दिए हुए विचारों को अपने जीवन में उतारने का। मैं इसी बातों के साथ अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं और यहां के ऑर्गेनाइजर और यहां के वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज लंग सिमा थोंग कंचंग फ्रॉम थाईलैंड। आई एम द कंट्री मैनेजर ऑफ UNBKFC एंड द एग्जीक्यूटिव कमिटी फॉर द किंग पचातिपो इंस्टीट्यूट सोसाइटी। I came to India many times. माझं नाव रंगसीमा आहे आणि मी थायलंडची आहे आणि तिथे एका मोठ्या इन्स्टिट्यूटशी संलग्नित आहे। याच्या आधी पण मी भारतात बरेचदा आली आहे। But I am the first time here. पण साकोलीत मी प्रथमच आली आहे। I am very happy to see you here. तुम्हा सगळ्यांना बघून मला खूप आनंद होत आहे। Yes. And I see all of you have happiness as well, right? आणि मला हे पण कळतंय की तुमच्या पण मनात तसाच आनंद होत आहे। Yes. Okay. Because of today all of you
वी यू कैन रेस्पेक्ट द लिरिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. हे सगळं का बरं, कारण आज म्हणजे त्यांना आनंद यासाठी होतोय की तुम्हाला आज तथागत भगवान बुद्धांच्या अस्थि कलशाला पुष्पार्चन करण्यात येणार आहे म्हणून त्यांना आनंद होतो. ऑल ऑफ यू हियर यू विल गेट रेस्पेक्ट एवरीवन. सगळ्यांना ती आज संधी मिळणार आहे टू गेट क्रॉस विथ द लिरिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा. तथागत भगवान बुद्धाच्या अस्थि कलशाच्या जवळ जाण्याची संधी आज तुम्हाला मिळणार आहे. दिस इव्हेंट व्यू held by we held this event by the Beta Indo Foundation Mr. Nitin Bhau Gajbiye yancha Indo Asian Meta Foundation mule ha karyakram aaj ithe sambhav zala. Congratulations for all Buddhism here. Ithe upasthit sagya Bauddha bandhavanche yasathi khup khup abhinandan. And we respect to Dr. B. R. Ambedkar as well. आणि तेवढ्याच माझं अभिवादन आहे पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकरांना. ओके या एनीवे आय विश यू अ व्हेरी हॅपी टुडे अँड अहेड इन द फ्युचर. तुमचा आज आणि येणारे सगळे दिवस हे सुख समाधान समृद्धीचे जाऊ. नमो बुद्धाय अँड जय भीम. नमस्कार, मी साकोली शहरातून डॉक्टर सोमदत्त ब्रह्मानंदजी करंजेकर, अध्यक्ष वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था. आपल्या संस्थेच्या मार्फत आणि इंडो एशियन मेत्ता फाउंडेशनच्या मार्फत एक सौभाग्याचा दिवस आज इथे मला आणि साकोलीवासियांना आणि आपल्या संपूर्ण जिल्ह्याला लाभला. तथागत भगवान गौतम बुद्धाच्या श्रीलंकेहून अस्थि कलशाचे आगमन, सोबतच परमपूजनीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्थिकलशाचे आगमन आज इथे आपल्या बाजीरावजी करंजेकर कॉलेज ऑफ फार्मसीच्या पटांगणावरती झाले. रस्त्यात लाखनीला व साकोलीला बौद्ध विहारात स्वागत झाले. त्याच्यानंतर पूजनीय भिक्खू संघ जे देश विदेशातून आले त्यांचे आगमन इथे आपल्या पटांगणावरती झाले. आणि सोबतच एक अविस्मरणीय क्षण इथल्या साकोलीच्या जनतेसाठी, लाखनी दुरून दुरून आलेल्या, पवनी भंडारा इथून आलेल्या जनतेसाठी आजचा एक भाग्याचा दिवस होता. मी स्वतः विपश्यना साधक आहे, माझी पत्नी विपश्यना साधक आहे, मुलगी आहे, संपूर्ण घर आमचं विपश्यना साधक आहे. आणि कुठेतरी मला वाटते की मी 3 विपश्यना केली, सेवा पण दिली, तिथून ही सद्बुद्धी मला भगवान बुद्धाने दिली असेल आणि त्याच्यातून हा आजचा माझं सौभाग्य मी मानतो की मला इथे आयोजन हे करण्याची संधी मिळाली. मी परत संपूर्ण स्वागत समितीचे तसेच संपूर्ण आयोजकांचे खूप खूप मनापासून आभार मानतो. नमो बुद्धाय, जय भीम.